बहू, ये ना राशन की लिस्ट है, ऑफिस से आते हुए सामान लेते आना। कितनी बार बोला है मम्मी जी मैंने आपको, जब भी मैं ऑफिस जाया करूं मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी आज, आपको पता भी है? आपने मुझे पीछे से आवाज मार दी, अब पता नहीं मेरा सारा दिन कैसा जाएगा। बहू मैं तो बस, क्या मैं तो बस, आप पूरे दिन यहाँ घर में बैठ के टाइम पास करती रहती हैं, और आपका बेटा वो तो विदेश जाके बस गया है, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सिर पर छोड़कर। बहू ये कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हूँ मम्मी जी? मुझे ना ऐसा लगता है उम्र के साथ साथ आपका दिमाग खराब हो चुका है। 20 बार बता चुकी हूँ ऑफिस जाते समय पीछे से आवाज मत दिया करो, लेकिन नहीं, आपकी आदत कभी नहीं जाएगी। ठीक है बहू, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, बस बस अब ये रोना धोना चालू मत कर देना, घर में बहुत काम है, जाके कर लो। ठीक है, मैं सारा काम कर लूंगी। ओहो, धूप सेकी जा रही है, घर के जो इतने सारे काम है कौन करेगा उनको? अब ये बाल्टी उठाओ और जाके कपड़े सुखाओ। बहू वो ना मेरी तबीयत आज खराब थी तो सोचा छत पर आकर धूप सेक लेती हूँ। तबीयत खराब है आपकी? तो आप क्या चाहती हैं, आपकी तबीयत के साथ साथ हमारी भी तबीयत खराब हो जाए? आपको पता है कितने काम होते हैं, आपके गंदे कपड़े धोने, खाना बनाना, और भी ऐसे बहुत सारे काम है। आपकी तरह नहीं हम, जो ऐसे छत पे आए और मस्ती से धूप सेके। खैर ये सब छोड़िए, बाल्टी उठाइए और जाके कपड़े सुखाइए। ठीक है बहू, कर देती हूँ। मम्मी जी बहुत थक गई हूँ मैं, जाओ जाके एक कप चाय बना दो, वैसे भी बैठी तो कुछ काम कर लो जाके। अभी ले आती हूँ। मम्मी जी ये सब क्या है? क्या बेटा? मम्मी जी इस तरीके से बर्तन कौन धोता है? अगर आपको काम करना नहीं आता या बर्तन धोने नहीं आते ना, मेरा काम मत बढ़ाया करो आप। बेटा मैंने तो ठीक से धोया था, शायद गलती से रह गया होगा। मम्मी जी आपकी गलती की वजह से ना मेरा सारा काम खराब हो जाता है, सारा काम बिगड़ जाता है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? अच्छा आपको समझ भी कैसे आएगी, आपकी तो उम्र हो गई है ना, आपको पता भी आप कितना नुकसान करती रहती हैं, कभी पानी का, कभी बिजली का, कभी राशन का। खैर आपको ये बात भी समझ नहीं आएगी क्योंकि आप कमाती नहीं है ना, जो कमाता है उसको पता होता है कि कैसे मैनेज करके चलनी पड़ती है चीज़ें। अरे मम्मी जी मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप रोने लग गई? मुझे पता है आप मेरे सामने नाटक कर रही है रोने का, है ना, ढोंग करना चाहती है मेरे सामने। चंपा ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मम्मी जी से, तमीज भूल गई हो क्या? दीदी मैंने क्या गलत बोला? अरे आप देख रही ना कैसे हरकतें हैं इनकी। चंपा मैं सब देख रही हूँ, तुम बिना वजह मम्मी जी पे चिल्लाए जा रही हो। अगर तुम्हें उनकी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो तुम उनको प्यार से भी समझा सकती हो ना, ये कौन सा तरीका है? तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो, सासू माँ है वो हमारी। और अगर तुम इस घर की बहू हो ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सासू माँ की बेइज्जती करने का लाइसेंस मिल गया है। अच्छा तो मतलब मम्मी जी का अपमान करने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है ना? आप भी तो मम्मी जी से इसी तरीके से बात करती हैं, आप तो डेली उनके साथ बदतमीजी करती हैं, उनको उल्टा जवाब देती हैं, तब आप ये भूल जाती कि उनको भी बुरा लगता होगा। और आज सुबह मम्मी जी ने आपसे बोला ही क्या? सिर्फ यही तो बोला ना कि राशन लेकर आना, इतनी छोटी सी बात पर आप मम्मी जी पर गुस्सा हो गई और उल्टा जवाब दिया उनको, चिल्लाकर बोला। आप भी तो मम्मी जी से प्यार से बात कर सकती थी, प्यार से समझा सकती थी, लेकिन नहीं, आपको लगता है कि आप इस घर में कमाकर पैसे दे रही हैं तो इस घर में सिर्फ आपकी चलेगी। और अभी जब मैंने मम्मी जी से ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, आपको बुरा लग रहा है? आप जब मम्मी जी पर ऐसे चिल्लाती हैं, ऐसे बदतमीजी करती है, तब आप भूल जाती कि वो हमारी मम्मी जी हैं। दीदी आपको शर्म आनी चाहिए, आप हमेशा मम्मी जी पर चिल्लाती हैं, उनके साथ बदतमीजी करती हैं, उनको उल्टा जवाब देती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जी आपको पलट कर जवाब नहीं देती। इसलिए पलट कर जवाब नहीं देती कि आप जॉब करती हैं। मम्मी जी हमेशा चुप इसलिए रहती हैं क्योंकि वह हम दोनों बहुओं से प्यार करती हैं। और मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैंने पहली बार आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात करी, मैं बस आपकी बहू को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो कितना गलत करती हैं आपके साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तुम ठीक कह रही हो चंपा, और मम्मी जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मैं कौन से घमंड में थी, मुझे लगा सिर्फ मैं कमा रही हूँ तो इस घर पे मेरी मर्जी चलेगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू मैं भी एक समय पर बहू थी और तुम्हारी तरह जॉब करती थी, पर मैंने कभी भी किसी के ऊपर ऐसे हुक्म नहीं चलाया,
मैंने अपनी सास को हमेशा अपनी माँ माना, मैंने अपनी सास की हमेशा बात मानी और मैंने अपनी सास को हमेशा माँ की तरह माना। पर आजकल की जनरेशन माँ बाप को बहुत समझती है, बस कमाने लग जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो मतलब माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं, माँ बाप को भूल जाओ। वो ये भूल जाते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और आज मैं जो भी हूँ ना अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और मम्मी जी, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा दोबारा, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ बेटा, आगे से ध्यान रखना। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी वीडियो स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूँगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुँच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।